दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया वैरिवो भूतं यदा निप्रया नमेदं श्री दक्षिणामूर्ते ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै ओम शांति 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 यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा अप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके इंद्रियाणां पृथक भावं उदयास्तमयौचजत् पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। यह परम मनो मनस सत्वमुत्तम सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तम अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एवच यंग्यात्वा मुच्यते जंतुः अमृतत्वञ्च गच्छति। इसी जीवन में आत्मदर्शन करना चाहिए, इसको दूसरे जन्म के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। ये बात बताने के लिए यथादर्शे तथात्मने ये मंत्र है। पुरुषत्वे च आविष्कराम आत्मा, वेद भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य योनि में आत्मा बिल्कुल प्रकट है। मनुष्यत्वे च आविष्कराम आत्मा, तो पुरुषत्वे च माम धीराः सांख्य योगभ्यपाश्रया समुद्धरन्ति चात्मानं आत्मनैव वासुभासयात्। जब पुरुष शरीर प्राप्त होता है, माने मनुष्य शरीर जब प्राप्त होता है, तो मनुष्य शरीर में दो बात करना बड़ा आसान है। एक तो विचार करें और दूसरे मन को एकाग्र करें। मन की एकाग्रता और विचार की शक्ति, ये दोनों मनुष्य की शक्ति के भीतर हैं। दोनों बात मनुष्य कर सकता है। इसलिए जो हम अपने को गंदी जगह में डाल करके बैठे हुए हैं, वहां से अपने को निकाल सकते हैं। जैसे कोई गंदी नाली में गिर जाए या गंदे गड्ढे में गिर जाए, तो अगर शरीर में सामर्थ्य हो तब तो वो खुद वहां से निकल जाएगा, बुद्धि हो तो खुद निकल जाएगा। और शरीर में सामर्थ्य ना हो और बुद्धि ना हो, बेहोश हो जाए, तो वहां से अपने आप को नहीं निकाल सकता। तो ये जो हड्डी मांस चर्म विष्ठा मूत्र पीप रक्त गंदगियों से भरा हुआ शरीर है, चाहे कितना धोवो पोंछो साफ करो स्वच्छ करो, इसमें से जो निकलता है सो ही गंदा। अगर आपको कभी अपवित्रता की परिभाषा बनानी पड़े कि अपवित्र क्या है, तो आप बिना सोचे समझे ये बात बना लेना कि हमारे शरीर में से जितनी चीजें निकलती हैं वो सब गंदी। नाखून गंदे, बाल गंदे, मूत्र गंदा, विष्ठा गंदा, पसीना गंदा, और टूटे हुए दांत गंदे, थूका हुआ पानी गंदा, निकला हुआ पसीना गंदा, निकला हुआ रक्त गंदा, निकली हुई पीप गंदी। माने जो चीज अपने मैं से बाहर हो जाती है वो गंदी हो जाती है। ये संसार में भी गंदगी तब तक रहेगी, कब तक संसार में गंदगी कब तक रहेगी, कि जब तक ये संसार मैं से बाहर रहेगा। जब ये सारा संसार मैं रूप हो जाएगा, अभी देह में मैं है, और जब संसार मैं में हो जाएगा
तो कोई चीज गंदी नहीं रहेगी। ये शरीर में मैं होना यही संपूर्ण अपवित्रताओं का निदान है, संपूर्ण गंदगियों की यही खान है। जो मैं से बाहर तो गंदा, तो इस मनुष्य शरीर में दो वस्तु प्राप्त है, एक विचार की शक्ति और एक एकाग्रता की शक्ति। तो एकाग्रता की शक्ति में ये बात है कि नया ज्ञान नहीं होता। एकाग्रता में यदि बिल्कुल शांत हो जाए तो जितना क ख ग घ का ज्ञान लेकर के एकाग्र होंगे, शांत होंगे, वहां से उठने के बाद भी उतने ज्ञान रहेगा। तो विचार शक्ति के द्वारा ज्ञान को बढ़ावें और एकाग्र हो करके उसमें स्थिर हो, ये दो बात है। तो ये बात सब विवेक ज्ञान में लागू होती है। विवेक ज्ञान अलग चीज है और अनुभव ज्ञान अलग चीज है। विवेक ज्ञान में जानना और उसमें स्थिर होना, जैसे देखो वस्तु ज्ञान में यदि आप पहचाने कि ये हीरा है कि जहर है, संखिया का टुकड़ा है कि जहर का टुकड़ा है, बच्छनाग है कि ये हीरा है, तो उस समय आपको काम करना पड़ेगा, हीरे को पकड़ के रखना पड़ेगा और बच्छनाग को फेंकना पड़ेगा। वस्तु के संबंध में जितना ज्ञान होगा वो ज्ञान ग्रहण अथवा त्याग का अंग होगा, उसमें ज्ञान प्रधान नहीं होगा। अगर ज्ञान के अनुसार त्याग देंगे तो फायदे में रहेंगे, और ज्ञान के अनुसार ग्रहण कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, ज्ञान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे। अच्छा, अब धर्म अधर्म का जो ज्ञान है, आप समझें कि दान करना तो अच्छा है, धर्म है, पर करें नहीं, और अधर्म करना बुरा है परंतु अधर्म करें। तो यदि ज्ञान के अनुसार अधर्म करना छोड़े नहीं और धर्म करना पकड़े नहीं, तो धर्माधर्म का ज्ञान जो है वो बेकार हो जाएगा, आपके काम नहीं आएगा। इसी प्रकार आप समझें कि संपूर्ण वृत्तियों का निरोध करके अपने स्वरूप में बैठना श्रेष्ठ है, हैं? और वृत्तियों का चंचल होना कनिष्ठ है, ये समझें तो सही, लेकिन वृत्तियों का निरोध न करें, उनको चंचल ही रहने दें, तो आपका ज्ञान व्यर्थ गया। पर वेदांत ज्ञान में, अनुभव ज्ञान में ये बात, ये विवेक ज्ञान इसी को बोलते हैं। और अनुभव ज्ञान जो होता है वो दूसरी तरह का होता है। अनुभव ज्ञान ऐसा होता है कि उसमें अनुभव करने वाले का और अनुभव की वस्तु का भेद नहीं होता। जैसे हीरा अलग चीज है और जानने वाला अलग चीज है, तो हीरे को पकड़ेगा, और अफीम अलग चीज है और उसको जानने वाला अलग है, तो अफीम नहीं खाएगा। तो जहां अपने से अलग वस्तु का ज्ञान होता है वहां उसका संग्रह या त्याग करना इष्ट होता है, उसको करना या न करना इष्ट होता है, उसमें स्थित होना न होना इष्ट होता है। वस्तु हो तो त्यागना ग्रहण करना, और कर्म हो तो करना न करना, हैं? और जोग हो तो स्थिर होना न होना। लेकिन यदि अपने स्वरूप का ही ज्ञान हो गए तो अपने को छोड़ेंगे कि पकड़ेंगे, हैं? अपने को करेंगे कि नहीं करेंगे, अपने में स्थिर होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल नहीं उठता। अपने आप के ज्ञान में किसी कर्तव्य भाव का उदय नहीं होता। तो अनुभव ज्ञान में एकाग्रता का क्या उपयोग है? अनुभव ज्ञान में एकाग्रता का सिर्फ इतना ही उपयोग है कि जो अनेक वस्तुओं की ओर अपनी बुद्धि जा रही थी उधर से उसको खींच लिया। बुद्धि को ठप करना ये वेदांत शास्त्र में इष्ट नहीं है। बुद्धि को ठप नहीं करना, अनात्माकार वृत्ति का परित्याग करना, इतना ही एकाग्रता का प्रयोजन है। और आत्माकार वृत्ति का प्रवाह होए ये तो वेदांत को इष्ट ही है। तो एकाग्रता और विवेक ये मनुष्य जीवन की खास वस्तु है। वो सांख्य योग विशारदाह, मनुष्य सांख्य भी माने विवेक भी कर सकता है, और मनुष्य अपने मन को विक्षिप्त होने से बचा भी सकता है। अब ये मनुष्य जीवन की विशेषता हुई। अब इसमें यथा दर्शे तथा आत्मनी।
जैसे शीशे में अपने मुंह को देखते हो, वैसे स्वच्छ निर्मल एकाग्र अंतःकरण में अपने प्रतिबिंब को देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो। जैसे कोई सरोवर हो और जल में मिट्टी मिली हुई हो और तरंगें उठ रही हो और अपना मुंह देखने के लिए उसमें जाओ तो ठीक नहीं दिखेगा, क्योंकि जल गंदला है और लहरें उठ रही हैं। और शीशे में अपना मुंह देखने जाओ और शीशे पर खूब धूल पड़ी हो, साफ न हो, तो अपना मुंह कहां से दिखेगा। तो अपने को नहीं देखना है, अपने प्रतिबिंब को देखना है। यथा आदर्शे तथा आत्मने, जैसे स्वच्छ निर्मल दर्पण में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखते हैं, वैसे स्वच्छ और निर्मल अंतःकरण में उसमें वासनाओं का होना ये गंदगी है और उसमें चंचलता का होना ये लहर का उठना है। तो निर्मल अंतःकरण में अपने आप को इसी जीवन में देख सकते हैं, अपने पौरुष से देख सकते हैं, अपने प्रयत्न से देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। ये ईश्वर भी अगर आपको आत्मज्ञान करावेगा तो यही बोलेगा कि जो तू है सो मैं हूं। महात्मा यदि आपको ज्ञान करावेगा तो यही कहेगा, वो आपके मन के भीतर बैठ के बोले तो यही बोलेगा, बाहर से बोले तो यही बोलेगा कि जो आत्मा है सो परमात्मा, जो परमात्मा है सो आत्मा। आप स्वयं विवेक करके महावाक्य का यदि कभी प्रतिबंध को निवृत्त करेंगे तो आपके मन में यही आवेगा कि अरे मैं तो वही हूं, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं खुद हूं। मैं समझता था कि ब्रह्म कोई दूसरा है, उसका अज्ञान हमको हो गया है, वो कहीं अप्राप्त हो गया है, वो कहीं छिप गया है, है? अरे भाई, ढूंढने की वृत्ति जिसमें उदय हो रही है, जो ढूंढने वाली वृत्ति को अपनी समझ रहा है, जो ढूंढने वाली वृत्ति को देख रहा है, वही तो ब्रह्म है। तो अपने आप को तो देखा नहीं, अब देखो नजर भग गई, कहां भगी, अरे वृत्ति कहां से आई, कहां गई नजर, हैं? वृत्ति में जो अपना आपा दिख रहा है उस पर नजर गई कि वृत्ति की विगत तलाश करने के लिए इतिहास के इतिहास का मुर्दा उखाड़ने गई। तुम अगर ये सोचने लगे कि ये वृत्ति कहां से आई तो तुम ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हो कि आत्मदर्शन कर रहे हो। वृत्ति कहां से आई ये अनुसंधान इतिहास का अनुसंधान है, हैं? और इस वृत्ति का क्या नतीजा होगा अगर ये सोचने लगे तो, नरक, ये नरक में जाएगी कि स्वर्ग में जाएगी कि देवता बनेगी कि क्या बनेगी नरक। कोई तुम ज्योतिषी हो, वृत्ति की कुंडली देख रहे हो, जिस समय तुम वृत्ति के भविष्य का चिंतन करने लगते हो उस समय ज्योतिषी हो जाते हो, और जिस समय तुम वृत्ति के भूत का चिंतन करने लगते हो उस समय ऐतिहासिक हो जाते हो। अच्छा, जिस समय वृत्ति दिख रही है उस समय स्वप्न में जो वृत्ति दिखती है उसके विगत और भविष्य का चिंतन नहीं किया जाता, वो जैसी होती है वैसी देखी जाती है। इस समय जो वृत्ति दिख रही है वो तो तुम्हारा शीशा है, उसमें तो तुम ही दिख रहे हो। तुम वासनावान हो तो वासनावान दिखोगे, दृष्टा हो तो दृष्टा दिखोगे, तुम अखंड हो तो अखंड दिखोगे, नारायण। और अपनी अखंडता में वृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए यदि अपने आप को जानना है तो अपने आप को ही जानना होगा। उसमें ऐतिहासिक अनुसंधान की, उसमें ज्योतिषिक भविष्यवाणी है कि उसमें पृष्ठवर्ती अनुसंधान है कि उसमें हमारा वो रक्षक जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड बोलते हैं, उसको नहीं देखा जाएगा, अपने आप को देखा जाएगा। तो इसी जीवन में और अपनी ही बुद्धि में अपने आप को देखो। यदि किसी दूसरे के सिखाने से ही ज्ञान होता हो तो ऊंट को भी हो जाए, बैल को भी हो जाए। अच्छा, मान लो ईश्वर ही कृपा करके ज्ञान देता हो तो ऊंट बैल को क्यों नहीं देता,
वो तो जिसका हृदय शुद्ध होता है, जिसके हृदय में जिज्ञासा उठती है, उसी को तो ज्ञान होता है ना। तो वहां भी तो तुम्हारा पौरुष ही हेतु है। ये पुरुष हुए हो, मनुष्य हुए हो, तो मानव जीवन का सबसे उत्तम लाभ है कि उठाओ। तो बोले कि अभी नहीं, जरा बच्चे कच्चे हो जाने दो हैं? तो बच्चे हमारी सेवा करने लगेंगे, फिर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बोले कि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। तुम जो ये समझते हो कि जब हम बाप बनेंगे और हमारे कपड़े का और अन्न का और रहने का और सेवा का सब बंदोबस्त हमारी बहू करेगी और बेटा करेगा और बेटी करेगी, तब हमको ज्ञान होगा। बोले सपना देख रहे हो, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। यदि तुम पिता बन करके और सेवा सुख सुविधा प्राप्त करके यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, हैं? हे भगवान, सपना देख रहे हो, बहू आवेगी तो कहेगी हमारा बच्चा खिलाओ, या कहेगी कि हम जा रहे हैं क्लब में, तुम जरा घर के देखभाल करो, रसोई घर की देखभाल करना। वो तुमको ज्ञान में सुविधा नहीं करेगी। बेटा आवेगा, हैं? बेटा आवेगा तो वो कहेगा कि पिताजी हम जाते हैं विलायत, अब यहाँ घर का काम तुम संभालो। तो स्वप्न है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे बेटे और बहू हमको ज्ञान में मदद करेंगे, हम पितर होने पर, पितृलोक होने पर, हम पिता होने पर ज्ञान प्राप्त करेंगे, कब वो गलत सोचते हैं। कौमारे आचरित धर्मो, बचपन में ज्ञान प्राप्त कर लो, कुमार अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर लो, ये कोई बड़ी मुश्किल दूसरे के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का नहीं है। यथा सुपरीव ददृशे तथा गंधर्व लोके। बोले कि अच्छा जाने दो, बेटा बेटी की बात तो जाने दो, लेकिन ब्याह कर लें और एक सुंदर सी श्रीमती घर में आ जाए, है ना, और उनके साथ आनंद में रहेंगे, ब्याह करने के बाद ज्ञान प्राप्त करेंगे। गंधर्व लोक जब घर हो जाएगा, जब वो कभी नाचेंगी कभी हंसेंगी, हमारा घर जब गंधर्व लोक हो जाएगा तब ज्ञान होगा। बोले अरे तुम बहते हुए पानी में अपना मुंह देखना चाहते हो, ये जवानी बहती हुई है, ये सुंदरता बहती हुई है, ये भोग बहते हुए हैं, भोग लोक में बैठ करके ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के लिए आत्मलोक में बैठना पड़ता है। बोले अच्छा आओ, ब्रह्म भावना करेंगे, गुरु के पास कौन जाए, वेदांत कौन पढ़े, हम बैठ करके ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप ही ब्रह्मोपासना करेंगे। उपासना करने से ब्रह्मलोक हो जाता है। बोले भाई सोहम 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 उपासना करेंगे, है ना। सोहम माने अहम सह। कल वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा था तो उसमें आया हंसा, तो हंसा पद का अर्थ शंकराचार्य भगवान ने किया अहम सह इति हंसा। अकार का लोप हो गया, अहम सह, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। बोले ऐसे अगर रटना लगावेंगे, रटेंगे रटेंगे दोहरावेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। बोले हो तो जाएगा, एक साधन है ये भी, परंतु बड़ा कष्ट साथी है। देखो तुमको एक बार कोई समझा दे कि तुम मनुष्य हो तो तुम समझ जाते हो, एक बार कोई समझा दे कि तुम्हारा नाम मोहन गोविंद है तो तुम समझ जाते हो कि हम मोहन गोविंद हैं। तुम अपने को हिंदू समझ गए, तुम अपने को ब्राह्मण समझ गए, तुम अपने को गृहस्थ समझ गए, तुम अपने को साधु समझ गए, हैं? और बार बार दोहराते हो, दिन भर में कितनी बार अपना नाम याद आता है जरा बताना तो, लेकिन नाम वही रहता है कि बदल जाता है, हैं? कितनी बार अपनी जाति याद आती है, जाति वही रहती है कि बदल जाती है, तो दोहराने की जरूरत कहां है? दोहराने की जरूरत वहां है जहां ज्ञान नहीं है। अब कोई आदमी चिल्लाने लगा कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, तो लोग पागल कहेंगे कि नहीं, हैं? का कोई माला पहन रहे, मैं जग्गेदत्त हूं, मैं जग्गेदत्त हूं, मैं जग्गेदत्त हूं, तो बोले अरे बाबा तू जग्गेदत्त तो है ही है, माला काहे को फेरता है? तो माला फेर के या वृत्ति को दोहरा के या ध्यान करके या उपासना करके ब्रह्म ज्ञान होता तो है, परंतु वो तो बहुत देर में होगा, बहुत मुश्किल है। कैसा ज्ञान होता है? छाया तपयोरिव, साफ मालूम पड़ जाता है कि मैं बिंब हूं,
और बाकी सारी सृष्टि प्रतिबिंब है, ये बात मालूम पड़ती है। लेकिन ये तो बहुत कठिन है ना ऐसा होना। तो हम तो आओ एक शब्द के उच्चारण से, जैसे देवदत्त सोया हो, तुम सोए हुए हो और किसी ने तुम्हारा नाम लेकर के पुकारा, तो तुम क्या करते हो? तुम जागने के लिए मशीन चलाते हो? जब किसी ने पुकारा अरे श्याम हो राम उठ, तो क्या तुम हाथ से पहले मशीन चला के तब जागते हो? अच्छा ब्रह्माकार वृत्ति करके तब जागते हो? बहु बेटे को इकट्ठे करके तब जागते हो? या योगाभ्यास के द्वारा वृत्ति का निरोध करके तब जागते हो? अरे भाई अज्ञान की तो स्थिति ही ये है। मनुष्य भोजन करने जा रहा हो, हाथ उठा लिया हो, हाथ में ग्रास उठा लिया हो, अरे खैर आज इसमें छिपकली मर गई है, क्या करोगे? हाथ से भोजन गिर जाएगा, मुंह में नहीं जाएगा। ज्ञान जो है वो किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता है, क्रिया की अपेक्षा नहीं रखता है। अपनी अक्ल से तुम देखो, तुम न देह हो, हड्डी मांस जाम के देह नहीं हो, तुम न मनुष्य हो, न तुम हिंदू हो। मनुष्य में विशेष धर्म नहीं होता हो, सामान्य धर्म होता है, और हिंदू में एक प्रकार का विशेष धर्म होता है। और हिंदू में सामान्य धर्म होता है, ब्राह्मण में विशेष धर्म होता है, क्षत्रिय में विशेष धर्म होता है, वैश्य में विशेष धर्म होता है, शूद्र में विशेष धर्म होता है। अरे तू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, तू तो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी गृहस्थ है, उसका भी विशेष धर्म होता है। बोले अरे ना ना बाबा, तू जीव है, जीव मनुष्य पशु पक्षी सब शरीरों में जाने वाला। अरे ये नहीं, तू तो परमेश्वर है। बोले परमेश्वर भी वो नहीं जो दिन रात व्यस्त रहता है, अब सृष्टि बनाओ और अब पालन करो और अब बिगाड़ो, वो परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर हो तुम, जिसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। ये हमारे वेदांत संप्रदाय में, वेदांत सिद्धांत में नहीं, वेदांत संप्रदाय में, वेदांत सिद्धांत दूसरी वस्तु है, वेदांत संप्रदाय दूसरी वस्तु है। वो है ना, ये जैसे दशनामी सन्यासी हैं, है ना, परमहंस हैं, दंडी स्वामी हैं, ये वेदांत संप्रदाय है। तो वेदांत के भी कई संप्रदाय हैं, द्वैत संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय, द्वैताद्वैत संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत, ये सब वेदांत के संप्रदाय हैं, वेदांत के ही संप्रदाय हैं सब के सब। तो अद्वैत सिद्धांत तो ये है कि आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म है, ये तो है अद्वैत सिद्धांत। और वेदांत संप्रदाय क्या है? दशनामी होना, विशिष्टाद्वैती होना, अद्वैती होना, द्वैती होना, ये सब माध्व होना, निम्बार्क होना, ये सब वेदांत संप्रदाय हैं। वेदांत संप्रदाय भी द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत अनेक प्रकार के हैं। और जो अपने को ब्रह्म जान गया वो न द्वैती है न अद्वैती, वो सांप्रदायिक नहीं है, वो वेदांत संप्रदाय का नहीं है। तो सारे संप्रदाय उसमें अध्यस्त हैं, सारे संप्रदायों का वो अधिष्ठान है। उसमें से कभी द्वैत निकलता है, उसमें से कभी अद्वैत निकलता है, उसमें से कभी द्वैताद्वैत निकलता है, उसमें से कभी विशिष्टाद्वैत निकलता है, और सब निकलते हुए दिखते हैं, रहते हुए दिखते हैं, खंडित होते हुए दिखते हैं, हैं? और कुछ नहीं होते हैं, ये उसका स्वरूप है, ये वेदांत का सिद्धांत है। तो नारायण, यदि मनुष्य जीवन को सफल करना है, सफल करना माने पाप पुण्य से छूटना, अपने पराये के भेद से छूटना, राग द्वेष से छूटना, सुख दुख से छूटना, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद लेना यदि है, तो इस चीज को प्राथमिकता दो अपने कर्तव्यों में भी। बहुत सारे कर्तव्य हैं, धर्म कर्तव्य है, उपासना कर्तव्य है, योग कर्तव्य है, समाज सेवा कर्तव्य है, गरीबों की सेवा कर्तव्य है, बोला गरीबों की सेवा कर्तव्य है। लेकिन दुनिया में जब गरीब नहीं रहेंगे तब तुम
उनकी सेवा छोड़ करके वेदांत ज्ञान प्राप्त करोगे, जब दुनिया में रोगी नहीं रहेंगे तब उनकी चिकित्सा का कार्यक्रम छोड़ करके वेदांत ज्ञान प्राप्त करोगे हैं? जब दुनिया में कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा तब उनको अन्न वस्त्र देना बंद करके और तुम वेदांत ज्ञान प्राप्त करोगे? जब दुनिया में कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई झगड़ा नहीं रहेगा तब तुम बैठ के वेदांत का विचार करोगे? अगर ऐसा करोगे तो ऐसा समय तुम्हारे जीवन में कभी आएगा ही नहीं नारायण। इसलिए संपूर्ण कर्तव्यों में प्रथम कर्तव्य प्राथमिकता देने योग्य कर्तव्य ये है, बल्कि ऐसा है कि पहले ज्ञान प्राप्त क्षण भर का काम है ये बुद्धिमान पुरुष के लिए, शुद्धांतकरण पुरुष के लिए ये क्षण भर का काम है। जिंदगी भर के लिए तुम्हारा नरक स्वर्ग छूट जाएगा, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर जो नरक स्वर्ग की कल्पना है, भय है, वो छूट जाएगा। हमेशा के लिए तुम्हारा आना जाना छूट जाएगा, हमेशा के लिए अपना पराया छूट जाएगा, हमेशा के लिए राग द्वेष छूट जाएगा, सुख दुख छूट जाएगा। एक क्षण भर का काम और सबसे पहले करने का काम है। तो ये कैसे किया जाए? कथम असौ बोद्धव्यः, ये मंत्र का अर्थ भाष्य में जैसा है वैसा कल आपको सुना दिया था, वो आज जो सुनाया वो भाष्य का अर्थ नहीं है। हम भाष्यकार को बहुत गौरव देते हैं, है ना, उनके सिद्धांत को ही अपना सिद्धांत, है ना, हमारा उनका सिद्धांत एक ही है, हम वो एक ही है, बोला। परंतु जो मंत्रों का अर्थ होता है ना, वो वही किसी किसी मंत्र को दो तीन तरह से बोलते हैं। स्वयं शंकराचार्य भगवान ही किसी किसी मंत्र का, किसी किसी शब्द का अर्थ दो तीन प्रकार से करते हैं। ये कुर्बन निरेह कर्माणि जिजी विषय छपक बम समा, ये मंत्र है ना, ये मंत्र, इसका अर्थ शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में दूसरी तरह से किया है और ईसावास्य उपनिषद के भाष्य में दूसरी तरह से किया है। तो मंत्रों का अर्थ अलग अलग होने से सिद्धांत का भेद नहीं हो जाता, अभिप्राय का भेद होने से यदि हम आत्मा और ब्रह्म की एकता को स्वीकार न करें तो शंकराचार्य से मतभेद होगा। हमारा अभिप्राय तो यह है कि यही इसी जीवन में तत्व ज्ञान होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। रामचंद्र भगवान का तो ये ख्याल था कि पहले तत्व ज्ञान हो जाए तब ब्याह करें। आप जो वासिष्ठ पढ़ के देख लो, है ना, पहले रामचंद्र का ब्याह हुआ कि पहले तत्व ज्ञान हुआ? पहले रामचंद्र का को तत्व ज्ञान हुआ, बाद में विवाह हुआ, बाद में वनगमन हुआ, बाद में सीताहरण हुआ, बाद में रावण युद्ध हुआ, और बाद में राम राजा हुए। पहले तत्व ज्ञान, इसका अभिप्राय कितना कैसा जीवन होगा? यदि आपको पहले जीवन प्रारंभ करने के पूर्व यदि तत्व ज्ञान हो जाए तो जैसा राम का जीवन असंग था, लोकोपकारी था, सर्वहितकारी, मर्यादा का समुद्र था, वैसा जीवन आपकी सेवा करने के लिए आ जाए, आवे। ये हम नहीं कहते हैं कि उसको आने के लिए अगर बुलाओगे ना तो ज्ञान गौण हो जाएगा। यदि ज्ञान से ये कहो कि हे ज्ञान तुम हमारे घर इसलिए आओ, है ना, एक आदमी ने कहा कि स्वामी जी आप हमारे घर भोजन करने पधारो। भाई भोजन हमारे क्यों बुलाते हो? बोले आप आओगे तो आपके साथ साथ दादाजी भी हमारे घर आ जाएंगे, वैसे तो आते नहीं है, है ना, तो उसमें दादाजी को बुलाना प्रधान हो गया ना, हमारा बुलाना गौण हो गया, है ना, गौण हो गया कि नहीं? ऐसे जो लोग राम सरीखा जीवन प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान को बुलाते हैं, है? उनके लिए जीवन जो है मुख्य हो गया और तत्व ज्ञान गौण हो गया। इसलिए तत्व ज्ञान के बाद ऐसा जीवन बन जाए ये संकल्प करके तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां तो जिज्ञासा मंद हो गई और जिजीविषा प्रधान हो गई। जिज्ञासा मंद और जिजीविषा, जीने जीवन अमुक विशेष प्रकार का जीवन प्रधान हो गया। ऐसे ही समझ लो कि आपके मन में कहीं भी विशेष बनाने की इच्छा होगी, ज्ञान में विशेष, आनंद में विशेष, जीवन में विशेष, है ना, एक खास बात अगर कहीं लाने की इच्छा होगी तो तत्व की असलियत की, सच्चाई की जो जिज्ञासा है, सच्चाई को जानने की जो इच्छा है वो मंद पड़ जाएगी।
तो एक पहली बात ये ध्यान में रखने की है कि व्यक्तित्व का उत्कर्ष अथवा समष्टि का उत्कर्ष, व्यक्ति का उत्कर्ष अथवा समाज का उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए तत्वज्ञान नहीं होता। तत्वज्ञान में अगर व्यक्ति और समाज दोनों अस्तित्वहीन सिद्ध होए तो उसके स्वीकार के लिए तैयार रहना चाहिए, और यदि दोनों सच्चे सिद्ध होए तो सच्चा मानने के लिए तैयार है। हमको तो चाहिए असलियत का ज्ञान, वो सच्चा निकलता है कि झूठा, ये आग्रह करके सच्चाई का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। सच्चाई का ज्ञान सारे आग्रह छोड़ करके प्राप्त किए जाते हैं। अब मेरे बात, इंद्रियाणाम पृथक भावम जरा ढूंढो, क्या ढूंढे? बोले इंद्रियां अलग अलग हैं, पृथक भावम, इनसे कोई उम्मीद मत करो। क्यों? बोले इनमें फूट है, पृथक भाव का अर्थ फूट है। बोला ये दो इंद्रियां मिलके तो कभी एक काम करती नहीं है। एक फूल को ले लो, नाक से पूछो क्या है, बड़ी अच्छी गंध है, इतना नहीं बता सकती है। तो आंख से पूछो, बोले रंग सफेद है। त्वचा से पूछो, छूने में बड़ी कोमल है। जीभ से पूछो, बोले कड़वा। जीभ बतावेगी फूल की कड़वाहट, नाक बतावेगी फूल की गंध, त्वचा बतावेगी फूल की कोमलता, आंख बतावेगी फूल का रंग रूप शकल सूरत। तो इंद्रियों में फूट है कि नहीं? अच्छा, एक नियम है कि जिसमें फूट होती है वो पराधीन होकर रहता है, ये दर्शन शास्त्र का नियम है। वो दर्शन शास्त्र का नियम है संघतस्य परार्थत्वा, ये दर्शन शास्त्र का नियम है। जो चीजें अलग अलग होती हैं या अलग अलग होने पर मिली हुई होती हैं वो अपने लिए नहीं होती, दूसरे के लिए होती हैं। जैसे आदमी एक कमेटी बनाता है, बनाने वाला एक ही होगा, हो जिसके मन में पहले संकल्प उठेगा, तो वो कमेटी उस बनाने वाले के संकल्प को पूर्ण करने का साधन बनेगी, और नहीं बनेगी तो तोड़ देगा, ये बिल्कुल पक्का। हम कितनी सभा संस्था में हम रह चुके हैं, कहो तो हम नाम गिना दें, बचपन से है ना। हम मालवीय जी की सनातन धर्म सभा में रहे हैं, हम लक्ष्मण शास्त्री के ब्राह्मण सम्मेलन में रहे हैं, हम वर्णाश्रम स्वराज संघ में रहे हैं, हम कांग्रेस में रहे हैं। छोटी मोटी संस्थाओं की बात मैं छोड़ देता हूँ, बोला है ना। हमने देखा है कि जहां बनाने वाले के संकल्प के विरुद्ध संस्था चली है और छिन्न विच्छिन्न हुई। तो ये इंद्रियों की एक संस्था है, बोला। और चूंकि इसमें 10 इंद्रियां काम करती हैं, पहले तो 10 के भले मानुष होने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जहां 10 आदमी मिलकर काम करते हैं वहां सब ईमानदार ही हो ये जरूरी नहीं है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज, इस संस्था का सभापति हिंदू हो कि मुसलमान? तो महात्मा ने कहा, हम हिंदू मुसलमान नहीं पहचानते, हम ईमानदार आदि पहचानते हैं, है ना। हमको चाहिए ईमानदार, न हिंदू न मुसलमान, हमको चाहिए ईमानदार दीनदार। एक एक बात आपको बताए, तो 10 आदमी 10 कमजोर मिलते हैं, भागा बनता है। तो इंद्रिया नाम पृथक भाव, पहले देखो इनकी फूट कि अपनी अपने मन की बात तो ये बता देती हैं, दूसरे दूसरे के मन के नहीं बताती हैं। आंख गंध नहीं बताती, नाक रूप नहीं बताती, है ना, और त्वचा जो है वो सौंदर्य नहीं बताती, कोमलता बताती है, और आंख कोमलता नहीं बताती, सौंदर्य बताती है। तो इंद्रियाणाम पृथक भाव, इनसे तुम उम्मीद रखते हो कि ये तुम्हें परमात्मा का सच्चा रूप बता देंगे? इनसे उम्मीद रखते हो? जो एक फूल के भीतर घुस करके जो आंख गंध नहीं पहचान सकती वो परमात्मा के स्वरूप को कैसे समझेगी? तो ये इंद्रियां अलग अलग हैं, तो इनसे एक बात तो ये मजे की सिद्ध होती है कि एक के लिए हैं ये। ये तो जैसे एक के 10 नौकर हो वैसे हैं वो। आंख रूप का ज्ञान ला के देती है, कान शब्द का ज्ञान ला के देता है, नाक गंध का ज्ञान देती है, त्वचा कोमलता का ज्ञान देती है, जीभ स्वाद ला के देती है, अरे पांव चल के पहुंचाता है, हाथ पकड़ के देता है, जीभ बोल के बताती है। जहां पांव की पहुंच ना हो वहां आवाज से बोल के अपनी बात पहुंचा देते हैं, जहां हाथ की पहुंच ना हो वहां आवाज पहुंच जाती है, जहां हाथ की पहुंच ना हो वहां पांव पहुंच जाता है।
और जहाँ हाथ पांव दोनों की पहुंच न हो वहां वहां आवाज पहुंचा देते हैं, ये अग्नि ज्योति इसको बोलते हैं। तो हाथ हाथ का क्षेत्र तो बहुत सीमित है, वो इंद्र का क्षेत्र है, वो इंद्र क्षेत्र है। और पांव का क्षेत्र जो है वो उपेंद्र क्षेत्र है, जहां तक गति है स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक। गति के क्षेत्र में पांव है और कर्म के क्षेत्र में हाथ है, लेकिन जहां दोनों की गति नहीं है वहां क्या है, वहां बात है। शब्द के द्वारा हम वो बात आपको दिखा सकते हैं जिसको आप हाथ से नहीं पकड़ सकते और जहां पांव से नहीं पहुंच सकते। ये बात ज्योति है, अग्निदेव है ये नारायण। तो आप ये ध्यान दो कि इंद्रियों में तो फूट है और एक इंद्रिय वहां नहीं पहुंचती जहां दूसरी है और दूसरी वहां नहीं पहुंचती जहां पहली, तो इनमें से किसी भी एक इंद्रिय के द्वारा परिपूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों की प्रवृत्ति से परमात्मा मिलेगा ये उम्मीद ये आशा बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब थोड़ा एक विवेक देखो, इंद्रिया नाम पृथक भावन का अर्थ आपको सुनाते हैं, पृथक उत्पद्य महानाम और उदयास्तमयउच जत। इंद्रियों की तीन बात बताई गई, एक तो ये अलग अलग पैदा होती हैं, एक अलग अलग रहती हैं और इनका उदय और अस्त दोनों होता है, उत्पत्ति और प्रलय दोनों होता है। आप इंद्रियों के बारे में विचार करो, फूल में और इंद्रिय में क्या क्या विशेषता है। एक फूल में पांच चीज है, क्या? इसमें गंध है, इसमें रस है, इसमें रूप है, इसमें स्पर्श है और इसमें शब्द भी है। जब सूखने लगता है तब इसमें आवाज होती है, जब खिलता है ना चट से कली बोल जाती है, जब कली खिलती है तब, बढ़ता है तब आवाज होती है, फूटता है तब आवाज होती है, मुरझाता है तब आवाज होती है, चटचटा। तो एक फूल में पांचों भूत के गुण देखने में आते हैं, इसलिए फूल तो स्थूल पंचभूत से बना हुआ है, बोला। लेकिन एक इंद्रिय में पांच इंद्रियों के पांचों भूत के गुण देखने में नहीं आते, एक इंद्रिय में एक ही गुण होता है। आंख केवल रूप देखती है, कान केवल शब्द सुनता है, नाक केवल गंध सुनती है। तो फूल में और इंद्रियों में क्या फर्क हुआ? फूल तो स्थूल पंचभूतों का पुलिंदा है और इंद्रियां उस दशा में हैं जब ये पंचभूत पंचीकृत नहीं हुए थे। फूल तो पांच भूतों के मिलन का रूप है, इसमें पांचों भूत मिले हुए हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। और इंद्रियां पांचों भूत के मिले हुए रूप नहीं है, तन्मात्रा है। तदे वही थी तन्मात्रा, एक एक गुण को ही ग्रहण करने का सामर्थ्य इंद्रियों में है, इसलिए ये इंद्रियां अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने से किसी एक के लिए है, बोला, किसी एक के लिए है। जो चीज अलग अलग होती है वो दूसरे के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। तो सब मिल करके एक आत्मदेव की सेवा करती हैं। तो इनके पृथक भाव को देखो, माने इनसे तुम न्यारे हो ये देखो है। अच्छा, ये इंद्रियां पंच तन्मात्रा से ही उत्पन्न हुई हैं ये देखो, और ये जागृत में प्रकट होती हैं और सुषुप्ति में लीन हो जाती हैं ये देखो। तो जागृत में प्रकट होना और सुषुप्ति में लय होना कौन देखता है? बोले मैं है। और ये पंचभूतों से, पंचभूत की तन्मात्राओं से बनी हुई है, सात्विक तन्मात्राओं से, ये कौन देखता है? कब मैं। और ये अलग अलग काम करती हैं, ये कौन देखता है? कब मैं। इसमें से बड़े बड़े सिद्धांत निकलते हैं। आप लोग तो वेदांत नारायण बहुत सुनते हैं और बहुत पढ़ते हैं और बहुत समझते हैं, इतने में से ही ये सिद्धांत निकलता है कि आत्मा ब्रह्म है। ये कैसे निकलता है कि देखो,
आकाश की सात्विक तन्मात्रा से बना हुआ जो शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्रिय बनी हुई उसके तुम दृष्टा हो, और वायु की सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई स्पर्श इंद्रिय के भी दृष्टा हो, और अग्नि की सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई है ना क्या तेज की सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई नेत्र के भी तुम दृष्टा हो, और जल की सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई रचना के भी तुम दृष्टा हो, और पृथ्वी की सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई नासिका के भी तुम दृष्टा हो। अब आपको इसका सिद्धांत सुनाते हैं। ये बात ढूंढ ली गई है कि जो इंद्रियां हैं ये भी सूक्ष्म रूप से धातु हैं। जैसे सारी सृष्टि में पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का वातावरण है, वैसे इस शरीर में भी इन पांचों भूतों का वातावरण है। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये कोशिश की जा रही है विज्ञान में कि जैसे ये हाथ है ना, यहां ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि आंख से झांकने जैसे ज्ञान शक्ति रूप को देखने वाली ज्ञान शक्ति जैसे आंख में से बाहर झांकती है, वैसे हाथ में ऑपरेशन करके ऐसा बना दें कि वो हाथ में से भी झांकने लगे, और जिसकी आंख खराब हो वो हाथ ऐसे करके देख ले हो। माने ये जो साथ आपको यूं बताते हैं कि देखो पृथ्वी तो आपको स्थूल दिखती है ना, जल उससे सूक्ष्म है, तेज उससे सूक्ष्म है, वायु उससे सूक्ष्म है, आकाश उससे सूक्ष्म है, ये तो स्थूल है। लेकिन मिट्टी पानी आग से ही संसार की सारी आकृति और सारे रूप रंग बनते हैं। उनकी जो सात्विक तन्मात्रा है, जरा उधर तक यदि चले जाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप केवल शब्द के ही दृष्टा नहीं है, कान के भी दृष्टा है ना, और आप केवल आकाश पंच महाभूत के अंतर्गत जो आप पंचभूत के अंतर्गत जो आकाश है उसी के दृष्टा नहीं। आकाश तन्मात्रा जिसमें से शब्द निकलता है उसके दृष्टा है। अब इसमें से सिद्धांत क्या निकलता है वो देखो जरा। ये सिद्धांत निकलता है कि जब तन्मात्र आकाश के माने जहां वायु अग्नि जल और पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई है, या जिसमें से उत्पत्ति होती है और जब नहीं हुई है और जब इनका लय होता है, तो ऐसी अवस्था में जो आकाश तन्मात्रा है वो कहां है, कब वो तुम्हारी दृष्टि में है। इसका मतलब ये हुआ कि आकाश की उम्र से तुम्हारी उम्र ज्यादा है, आकाश की लंबाई चौड़ाई से तुम्हारी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, और आकाश में कार्य रूप से जो उत्पन्न होता है ना है, तो आकाश में तो परिणाम होता है और तुम में परिणाम नहीं होता, इसलिए सब तुम्हारा विवर्त है। केवल ये विचार करने से नारायण, औरों की तो बात छोड़ दो, केवल ये विचार करने से, केवल ये विचार करने से कि पृथ्वी तन्मात्रा का दृष्टा मैं हूं, तो पृथ्वी तन्मात्रा मेरी दृष्टि में है, पृथ्वी तन्मात्रा मुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए पृथ्वी तन्मात्रा से की प्रधानता से उत्पन्न जो स्थूल पृथ्वी है और पृथ्वी में बने हुए पहाड़ जंगल और मकान और आदमियों के पशु पक्षियों के हैं, और इसमें बनी हुई जो नासिका इंद्रिय है और गंध के संस्कार को ग्रहण करने वाला जो मन है, ये सब हमारी दृष्टि में है। जल और शरीर में बहने वाला खून और पशु पक्षियों के शरीर में बहने वाली स्निग्धता, पेड़ पौधों के भीतर रहने वाली हरियाली स्निग्धता रस, ये स्थूल है, और इनको ग्रहण करने वाली इंद्रिय जिह्वा और इस रस को संस्कार को ग्रहण करने वाला मन, ये सब कहां है, कहिए हमारी दृष्टि में है। पृथ्वी हमारा विवर्त है, जल हमारा विवर्त है, अग्नि हमारा विवर्त है,
वायु हमारा विवर्त है और आकाश हमारा विवर्त है, और इन्हीं पंचभूतों में उमर होती है, इसलिए उमर मेरी दृष्टि में है, तो मैं उस काल का दृष्टा हूं जिससे उमर भासती है पदार्थों में, और इन्हीं पदार्थों में स्थान भासता है, इसलिए उस उन स्थानों का मैं दृष्टा हूं जिसमें सब भासते हैं, हैं, और उन सब वस्तुओं का जो आकाश में पैदा होती हैं और रहती हैं और लीन होती हैं, उनका मैं दृष्टा हूं, और आकाश काल दिशा और सारे पदार्थ हमारी दृष्टि के अंतर्गत हैं, और मैं परिणामी नहीं हूं बदलने वाला, और ये परिणामी हैं बदलने वाले, इसलिए ये मेरे स्वरूप में ठसा ठस एक रस घनी भूत स्वरूप में ये बिना हुए भात रहे हैं। अज्ञान माने क्या? अज्ञान माने बुद्धि से इस बात को न समझना, न समझना ही अज्ञान है। बोले ये कहां से आया? का विचार न करने से आया। यदि तुम विचार करते सत्शास्त्र सद्गुरु और संत का आश्रय लेकर के और तत्व का विचार करते तो ये अज्ञान जो आज तुम्हें दुख दे रहा है ये बिल्कुल नहीं होता। ये तो केवल अध्यास के कारण के रूप में अज्ञान की कल्पना की गई है। अज्ञान वास्तव में है नहीं, लेकिन तुम बुद्धि से कभी विचार ही नहीं करते। तो कोई पूछता है कि भाई हम विचार क्यों नहीं करते? बोले अज्ञान है भाई, अज्ञान है, ना समझिए। तो असल में यदि इंद्रिय के विषयों का विचार किया जाए और विषयों के आश्रय गुणों के आश्रय भूत द्रव्य का विचार किया जाए, उनमें बनने वाली इंद्रियों का विचार किया जाए और उनसे पड़ने वाले संस्कारों का विचार किया जाए, तो जिसमें इंद्रियों का उदय है, जिसमें अस्त है, जिसमें उत्पद्य मानता है और जिसमें इंद्रियों की पृथकता है, वो कौन है? का हमारी आत्मा, हम। अच्छा, आप इस शरीर में कहते हो ना मैं शरीर हूं, आपके सामने एक प्रश्न है, उस पर विचार करो कि शरीर में जो मिट्टी पानी है वजनदार, वही तुम हो कि उसके आगे भी कुछ हो? इसमें जो गर्मी रहती है सो तुम हो कि नहीं? बोले गर्मी तो प्राय सबके शरीर में एक तरीके की रहती है, वो डिग्री जो होती है ना गर्मी की, उष्णता, वो तापमान तो एक तरीका रहता है, वो तेज तुम हो कि नहीं? अच्छा, ये सांस जो चल रही है शरीर में, ये तुम हो कि नहीं? अच्छा, जिस अवकाश में शरीर के भीतर जो अवकाश है वो तुम हो कि नहीं? तो एक बार और बात छोड़ दो, लिख दो बट्टे खाते में मिट्टी पानी आग हवा को, और इस शरीर में जो अवकाश मात्र है वो मैं हूं, तुम और अवकाश एक हो, तुम और आकाश एक हो, तुम आकाश हो। तो देखो, क्या तुम शरीर के घेरे में परिच्छिन्न होते हो? शरीर के घेरे में कटते हो? अगर तुम आकाश हो तो जैसे मकान के घेरे में आकाश नहीं कटता, वैसे शरीर के घेरे में भी आकाश नहीं कटता। तुम मिट्टी को मैं मत कहो, पानी को जो शरीर में मिट्टी है उसको मैं मत बोलो। अगर मिट्टी तुम हो तो समूची धरती तुम हो, अगर पानी तुम हो तो वातावरण में जितना जल है तुम हो, और अग्नि तुम हो तो वातावरण में जितनी अग्नि है उतने तुम हो, और वायु तुम हो तो वातावरण में जितनी वायु है उतने तुम हो, और यदि तुम अवकाश हो आकाश हो तो वातावरण में जितना आकाश है ना, जितना लंबा चौड़ा, जितनी उम्र है, और जैसा चार भूतों का आश्रय, चार भूतों का कारण, चार भूतों का लय स्थान, जैसा आकाश है वैसा तुम हो, माने तुम ज्ञान स्वरूप हो। तो ये जो ज्ञानात्मा आकाश है सो तो ईश्वर है। तुम अपने शरीर में हड्डी मांस चाम मिट्टी पानी आग से बने हुए जो पदार्थ हैं उनको अलग करके, और सांस में जो अलगाव मालूम पड़ता है उसको अलग करके केवल अवकाश मात्र अपने को देखो तो तुम्हारी लंबाई चौड़ाई कितनी और उम्र कितनी? न तुम्हारे अंदर कोई सीमित लंबाई चौड़ाई है, न तो सीमित तुम्हारी उम्र है और न तो सीमित तुम्हारा वजन है। तुम अनंत चिदाकाश हो। आकाश चिदाकाश माने चेतन आकाश, चेतन आकाश,
जड़ आकाश में परिणाम होता है और चेतन आकाश में विवर्त होता है। इसलिए ये समग्र सृष्टि, चाहे ब्रह्मलोक उसका नाम हो, चाहे गोलोक, चाहे साकेत लोक, चाहे बैकुंठ लोक, और चाहे गंधर्व लोक, चाहे पितृलोक, चाहे नरक लोक, चाहे मर्त्य लोक, चाहे पशु लोक, चाहे पक्षी लोक, कुछ भी नाम होवे, उस लोक का तुम्हारे अखंड अनंत अद्वितीय आत्मस्वरूप में वो बिना हुए ही भास रहा है। तो केवल इंद्रियों के विषय, इंद्रिय और इनके आधारभूत जो धातुएं हैं, तत्व हैं, और उनमें जो एक दृष्टा है और उसकी दृष्टि में जो तन्मात्रात्मक आकाश है, ये स्थूल भूत रूप जो आकाश है वही हमारे शरीर का और आपके शरीर का अलग नहीं है। तो तन्मात्रात्मक जो आकाश है वो हमारे शरीर का और आपके शरीर का अलग कैसे हो सकता है? और फिर जो चेतन ब्रह्म है ना, आकाश तादात्म्यापन्न जो चेतन ब्रह्म है वही तो जगत का कारण है। जगत का कारण कौन है? का आकाश तादात्म्यापन्न चैतन्य ही ईश्वर है और वही संपूर्ण जगत का कर्ता है, वही संपूर्ण जगत का आधार है, वही संपूर्ण जगत का संभरता है। वही वो ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर के संकल्प में, ईश्वर के संकल्प में ही सारी सृष्टि है, उसमें कल्पित है। और तुम अपरिणामी विवर्ती अखंड ब्रह्म चैतन्य हो, तुम्हारे अंदर ये सब संज्ञा, ये सब नाम, ये सब रूप बिल्कुल नहीं बनते हैं। बिना हुए भास रहा है ये प्रपंच, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये जीवत्व, ये ईश्वरत्व और ये त्रित्व, ये द्वित्व, ये एकत्व, सब बिना हुए, सब बिना हुए अपने स्वरूप में भास रहा है। इसलिए अपने स्वरूप, अब लोगों को तो ये चाहिए कि ये बताओ कि, क्योंकि आत्मज्ञान उतनी थोड़ी देर के लिए चाहिए ना, तो हम आसन पर बैठ करके आत्मज्ञान को उतनी देर के लिए कैसे प्राप्त कर लें और दुकान पर जाएं तब उसको कैसे छोड़ सकें? ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए कि घर में रहें थोड़ी देर, जब आसन पर बैठे तब तो ज्ञान रहे और दुकान पर न रहे। और ये ज्ञान ऐसा है महाराज कि ये चाहे नरक में भी जाओ तो पीछा न छोड़े, ये पीछा न छोड़े। तो इसी से अज्ञानी लोग डरते हैं कि कहीं हमको ज्ञान हो गया और बाल बच्चे छूट गए, धन छूट गया, दुकान छूटे, ही डरते हैं, छूटेगा कुछ नहीं लेकिन डरते हैं, और इसीलिए इसको प्राथमिकता नहीं देते हैं। आपको मालूम है अर्जुन ने ज्ञान होने के बाद युद्ध किया था और श्री रामचंद्र ने ज्ञान होने के बाद विवाह किया था। आप लोग डरना नहीं, आपका संसार नहीं छूटेगा लेकिन प्राथमिकता इसको दो, सबसे पहले ये काम करने का है कि हम अपने स्वरूप को जानें, इसके बाद सारा जीवन आनंद रूप हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।